केंद्र सरकार द्वारा 2022 में प्रेस वार्ता द्वारा वन रैंक वन पेंशन की जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि सर्विस करके आए जवानों को 1 जुलाई 2014 से पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट से आए जवानों को ही वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाएगा और 1 जुलाई 2014 के बाद आए प्री मेच्योर जवानों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर सैनिकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सैनिकों का कहना है कि अगर सभी जवानों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया गया तो सभी जवान अनिश्चित काल तक के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, मेरा नाम शिवा है, शायद आप लोगों को कुछ मालूम अभी तो बढ़ गया होगा। हम केरला से आया है, करीब 3000 किलोमीटर दूर से आया है। क्यों आया है ये सवाल है, ये क्यों आया है, ये क्यों घूमने के लिए या मतलब जो है एक एक नज़ारिया देखने के लिए नहीं आया है। हम अपना कुछ मकसद है, उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम आया है। वो क्या मकसद है, जो अपना राज्य को, जो अपना जो है भारत देश को जिसने संभाला है, जो हमारा जो कर्तव्य था, हमारे को दिया गया कर्तव्य को हमने जो है अच्छी तरफ हमने जो है उसको संभाल करके पूरा जनता को जो है हमने संभाला है और उनका जो है संपत्ति संभाला है, जान संभाला है, सब कुछ संभाला हमने। और इसके बाद हमारा जो है यवन काल में हमारा जो है 15 या 17 साल हमने सर्विस करके जो युवा फौजी के लिए हमने अपनी जगह छोड़ के गया है। छोड़ के किस लिए गया, हमारे को बोला है तुम लोग 15 साल के बाद चला जाना एक एक रैंक के लिए। 15 साल 17 साल 20 साल 22 साल दिया गया है, क्यों उसके किस लिए दिया गया। तो क्या है, ये जो है राज्य का जो सुरक्षा को कायम रखने के लिए जो है नौजवान का नव रक्त चाहिए, तो उसके लिए हमारा जैसे आदमियों को तो उधर भेज दिया गया। तो देखिए बात ऐसे है, कोई भी हमारे को छोड़ के जो डिफेंस वालों को छोड़ के कोई भी सर्विस करता है 8 घंटा सर्विस करता है, वो जान के रख के खेल के तो नहीं कर रहा है। वो मतलब जो है कई अध्यापकों का, कई ऑफिस में मतलब जो है क्लर्क होगा या कोई ड्राइवर होगा, जो भी है वो 8 घंटा का हकदार है, 8 घंटा उसने ड्यूटी कर दिया चला गया। लेकिन आप खुद ही सोच लो एक फौजी उनका क्या ड्यूटी है, कितना घंटा ड्यूटी है। अब दिन रात ड्यूटी है, चाहे वो 24 घंटा इसके बाद आग बिछने के लिए जाए तब भी मतलब जरूरी पड़ गया, उधर मतलब भाग गया, उधर बड़ा एक्सीडेंट हो गया या भूकंप भाग गया, उधर भागो या जो पत्थर से गिर रहा है या मतलब पहाड़ी से गिर रहा है उसको बचाने के लिए जाओ, या जो है शिप में कुछ आग लग गया उधर भागो। ये डिफेंस का कर्तव्य हम खुशी से कर रहा है, हम खुशी से कर लेंगे, लेकिन हमें उसका हक को चाहिए। अगर आज हमारा जो है भारतवर्ष का अंदर ऐसा है, हमारे सामने जब वो हाथ मांगता है तो कोई ना कोई कोइन देता है, या तो रुपया देता है या नहीं देता, पक्का देता है, यह हमारा संस्कार है। लेकिन जो हमने जो अपना एक फौजी के नाते हमने जो ड्यूटी किया है मतलब 24 घंटे का, 8 घंटे वाले को मतलब जो है 20,000, 25,000 या 30,000 मिलता है, तो वो 4 घंटा एक्स्ट्रा करने से क्या है, जो उसको महीने पे मिलता कितना है, 60,000 मिलना है, मतलब डबल सैलरी है। जो कम से कम सिक्योरिटी का जो लोकल मतलब जो है जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर भी 8 घंटे के बाद जो 4 घंटा करता है तो उसको डबल देने के लिए गवर्नमेंट ने ही नियम बनाया हुआ है, तो हमने जो 24 घंटा के लिए जो कर रहा है तो उसको क्यों नहीं दे सकता, उनका हक क्यों नहीं दे सकता, उसको क्यों आप लोग मतलब जो है उसको जो है खींच रहा है, उनको क्यों मतलब जो है रास्ते पे उतार रहा है। और हमारा भाई लोग हम रास्ते पे बैठ गया है, क्यों बैठा दिया आप लोगों ने, सवाल आप लोगों को है, जो है इसका हकदार है, जो है उसको जो बोलने का जो जवाब देने का हकदार है उनसे पूछ रहा हूँ, हमारे को क्यों हम रास्ते पे बैठा दिया है। हमारा जो है जो बुजुर्ग लोग है अभी वो जो है बैठ के अपना आराम करने के जगह पर अपना जो है पोतों के साथ बैठ करके जो है बाल बच्चों के साथ मतलब जो है 3 देर का खाना खाने का वक्त है, हमारे को क्यों इधर रास्ते पे बैठा दिया, ये सवाल आपको है, आप बताना है। अरे आप तो हमारे लिए हमारा जो है अच्छाई के लिए जो भी ये प्रजाओं के लिए जो ये भारतीय के लिए तो मतलब आपने गवर्नमेंट बनाया है, तो हमारा जो है हम आपका साथ देते हैं, अभी तक दिया है और आगे भी देते रहूँगा, क्यों नहीं है?
जो कि दुश्मन का जो है गोली हम अपने छाती पे लेता है या तो सिर पे ले करके हम जो है ना हमारा खून मतलब जो है बह बह करके हम नीचे जब गिर जाता है तब भी बोलूंगा भारत माता की, तब हमारा क्यों हक क्यों नहीं दे रहा है। ये हमारा जो है बिल्कुल आपसे मतलब बिंदी है, हमारा ये जो है जवानों को इसे मत बैठाओ, जो कि उनका भी मतलब दर्द मानो, उनका फैमिली का दर्द आप लोग समझ लो, और उनका जो बच्चों का मतलब पाल पोषण करना आपका भी कर्तव्य है, ये पूरा मतलब भारतवासियों को भी ये कर्तव्य है, आप लोग भी समझना चाहिए, ना कोई गवर्नमेंट अकेला नहीं है, ये जो है भारतवासी हर एक भारतवासी मतलब जो है 140 करोड़ भारतवासियों को ये जानना जरूरी है, उनका जो है पाल पोषण किया हुआ जाओ, उनका बच्चों को मतलब संभाला, उनको संभाला, पूरा भारत देश को संभाला, जवान को उनका हक क्यों नहीं मिलता है, सवाल आप लोगों को भी करना है, आप लोग भी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं क्यों इनका हक क्यों छीन रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, हमारे को मत मतलब जो है इसे तंग मत किया करो, और हमारे को मतलब जो है हमारा हक दे दिया जाए। अभी करोड़ों रुपये का तो मतलब जो है आप लोग कई एक प्रकार की मतलब जो है बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो जवान को क्यों मतलब जो है उसके बीच में फंसा के रखा हुआ है, चाहे वो आप आरोपी बनाया है तो उसका अंदर कितना मतलब जो है हमारे को प्रॉब्लम हुआ है, कई कई हमारा जो है जवान का पैसा काट दिया गया पहले के पहले से भी कम हो रहा है, क्यों ऐसे क्या हिसाब किताब है, क्या हिसाब किताब करने वाला नहीं है यहाँ पे, ना कोई हमारा भारत देश में हमारा जो ऊपर बैठे लोग उनको हिसाब किताब करना नहीं आता, जिसको जो पैसा मिला है उसमें से भी अगर कोई जेसीओ साहब को या एनसीओ साहब को अगर कम हुआ तो आप जवाब देना है आप कैसे मतलब जो है उसको कम किया है, एक एक मतलब जो है एक एक दिन, चाहे वो पेट्रोल का बढ़ोतरी हो, चाहे मतलब जो है चावल का हो, गेहूँ का हो, सब चीज़ का मतलब एक एक दिन का मतलब बढ़ोतरी जब हो रहा है तो हम कहाँ से पैसा लाए, कहां से चोरी करके ला सकता है क्या कम, हम तो वो तो नहीं कर सकता, हम तो आज तक हमारा जो मिट्टी को संभाला है, हमारा भारत देश को संभाला है, तो हम क्या चोरी भी करने के लिए जाना है, तो हमारा हक हमें देना है, ये 100% देना ही देना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं, यहाँ तो अभी तो 50 दिन हो गया है, ये 50 दिन नहीं है, हम साल चाहे वो 50 साल क्यों ना हो, हम अगर बैठना है तो हम बैठे रहेंगे, उसके लिए डाउट ही नहीं है, ये इतना मतलब मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा बिंदी है, आप लोगों का सभी नमस्कार से बुद्धि है कि आप लोग हमारा जो जवान का जो भी है जो उनका कष्ट है उनको समझ लीजिए, समझा करके मतलब जो है उनको आप लोग थोड़ा मतलब जो है हमारे को कुछ वो हाथ को मतलब जो है ऐसे करके दे दीजिए, ये हमसे ये बोल करके हम अपना बात को इधर ख़त्म कर रहा हूँ। भारत माता की, 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 हमारे देश के नौजवान सैनिक, मैं भारत के सबसे बड़े रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक जो सेना से सेवानिवृत्त हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों। मैं पहले तो यही पूछूंगा कि हमारे मैं भी एक सेना के जवान का बेटा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो है उन्होंने तो अंग्रेजों को मात दी थी और इन्होंने उन फ्रंगियों को मात दी है जो हमारे देश पर कब्जा करने चाहते हैं, और ये बिल्कुल जो हो रहा है इनके साथ दुर्व्यवहार, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ कि इनके साथ ऐसा ना करे, 50 दिन हो गया इनको और साल भर भी हो सकता है, इनका दृढ़ निश्चय है और इनके साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करवा रहे हो, जिन्होंने आप देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, सीने पर गोलियां तक खाने के लिए तैयार रहे, हा? उनको पेंशन भी नहीं ढंग से, ना तो उनको कोई पेंशन सही मिल रही है, कोई भत्ता नहीं मिल रहा है, और उसके बावजूद भी उनकी सेवानिवृत्त पुस्तक के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम जो सेवानिवृत्त के बाद भी हम आपको बुला सकते हैं इमरजेंसी कॉल इमरजेंसी के उसमें, और ये इमरजेंसी के उसमें भी लड़ने के लिए तैयार है, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, ये हमारी माता बहनों को बहनों का इज्जत बताने के लिए तैयार है, और उन फंगियों को
देश के अंदर न घुसने देने का इनका पण है। और ये आज भी जो गलत हो रहा है वो हमारे सेना के लोगों के साथ गलत हो रहा है। और ये मैं उस सेना के, उस देश के, भारतवर्ष के रक्षक नरेंद्र मोदी से मैं मीडिया के माध्यम से ये बताऊंगा कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए अन्याय, क्योंकि ये भोले भाले होते हैं और इनके साथ समाज भी दुर्व्यवहार करती है। खाली समाज ये कहती फौजी, उनको ये कहती फौजी टट्टू, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए जो ये इस तरह के लोग कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे देश के गौरव है जिन्होंने पाकिस्तान को मात दी थी सन 1965-1971। ये वही जवान है कारगिल में लड़े थे, जो कारगिल में भी वही है, ये सब वही है जिन्होंने देश के लिए अपनी सीने पर गोलियां खाने के लिए कारगिल की चोटी पर चढ़ गए थे। और वहां चढ़कर इन्होंने झंडा लेकर बोला था, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।